पीएमडीए बिल पर सहाफियों का सदारती खिताब के दौरान भी धरना जारी रहा। धरने में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान और दीगर पॉलिटिकल लीडर्स ने भी शिरकत की। आइए जानते हैं सब सोशल मीडिया के खसूसी नुमाइंदे राना यासिर की इस्लामाबाद से अगवा होने वाले सहाफी मतियुल्ला जान से खसूसी गुफ्तगु। जी सामिंग सर, सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो अभी कानून नया बनने जा रहा है, इस पे आप जर्नलिस्ट एज ए जर्नलिस्ट आप क्या कहते हैं, मतलब आपकी जाती राय क्या है इसमें? देखें, ये कानून जो है ये सिर्फ सहाफियों के खिलाफ नहीं है, ये 22 करोड़ आवाम की आवाज़ दबाने के लिए कानून लाया जा रहा है। और बुनियादी तौर पे अखबार और टीवी चैनलों पे तो पहले ही सेंसरशिप है। असल मकसद और असल हदफ जो है वो डिजिटल मीडिया है, और आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में अखबारात और टीवी के लिए तो इस कानून में रिलैक्सेशन हो जाएगी, मगर डिजिटल मीडिया के लिए ये काला कानून बरकरार रहेगा। और सर, इसमें अगर ये अप्रूव हो जाता है, जो जैसे अब न्यू मीडिया में वो काम कर रहे हैं, आसानी से काम करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, अपलोड करते हैं, कोई इशू नहीं होता, तो फिर उस पर क्या होगा, उस पर क्या नहीं? सारी बात है, फिर सारा नजला डिजिटल मीडिया पर गिरेगा, और ये जितने जुर्माने और करोड़ों रुपए के जुर्माने और सजाएं जो होंगी वो डिजिटल मीडिया और यूट्यूब के जर्नलिस्टों को मिलेंगे। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर।